सोशल मीडिया पर बेसुरे गाने गाकर खुद को का गुलकार समझने वाले सिंगर चाहत फतेह अली खान अपने बेढंगे गानों की बदौलत सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाए जाते हैं गुलूकार की किस्मत का ताला उनके गाने बदोबदी ऐसी खुला जिसकी वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गयी पाकिस्तान हो बांग्लादेश हो या भारत हर कोई अक लड़ी बदोबदी करता नजर आया सिर्फ यही नहीं बदोबदी का शहर अब टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के मैदान में भी चल गया है ओमान के खिलाड़ियों की जानब ऐसी बदोबदी की बीट आरोप रक्स करने की वीडियो ने दुनिया भर ऐसी शायक को वाह वाह करने आरोप मजबूर कर दिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दिए गए इंटरव्यूज में बदोबदी में मौजूदा मॉडल राव कहती नजर आये की गुलकार चाहत फतेह अली खान और उन्होंने कभी नहीं सोचा था की गाना इतना मकबूल होगा गाने की मकबूलियत आरोप खुशी का इजहार करते हुए वजदान ने कहा की पाकिस्तान समेत दुनिया भर ऐसी मिलने वाली लोगो की मोहब्बत की मशगूर हूँ गाने की मकबूलियत के बाद अनबन सोशल मीडिया आरोप गाने की मकबूलियत के बाद वजदान राव की जानब ऐसी बजरिया प्रेस कॉन्फ्रेंस गुलत फ़तह अली खान आरोप मुताद इल्जाम लगाए गए मॉडल का कहना था कि चाहत फतेह अली खान की जानब ऐसी उनकी तस्वीरों को गलत रुख देकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया मछदार ने चाहत फतेह अली खान की जानब ऐसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लाखों रुपए कमाने के बावजूद बदोबदी में मॉडलिंग के लिए उन्हें ना बराबर होने वाला मुआवजा देने और चाहत की जानब से की जाने वाली इल्जाम तराशी की बदौलत उनकी मेंटल हेल्थ मुतासर होने का दावा किया था बदोबदी गर्ल की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यूट्यूब ने गुलकार चाहत फतेह अली खान के गाने बदोबदी को कापी राइट क्लेम की वजह से डिलीट कर दिया इसी के साथ ही टिकटॉक पर चाहत फतेह अली खान के एक रोने वाली वीडियो पर आरोपी वीडियो डिलीट की वजह मजदान की बदुआ को करार दे रहे हैं